अम्मी जान बाय हो जा। अम्मी जान आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपको भी कैद कर लिया गया है? उन्होंने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है? क्या दर्द हो रहा है? नहीं नहीं मेरे बेटे, मैं तुम्हें हाथ लगाना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और उन्होंने क्या हाल कर दिया है तुम्हारा? अम्मी जान आप कहती नहीं है क्या? आप यहाँ क्या कर रही हैं? कैसे दाखिल हुई यहाँ? बाबा जान, बाबा कैसे हैं? हाँ? बस काफी है लीना। अम्मी जान मुझे बताएं आप इसे कैसे जानती हैं? इससे क्या ताल्लुक है आपका? मेरे बेटे बाय हो जा। अम्मी मैं तुम्हें बचा लूंगी, फिक्र मत करो। बस बहुत हुआ सिपाहियों। अम्मी जान थोड़ी देर और तुम्हारी मेहरबानी होगी। तुम मेरी अम्मी को कहाँ लेके जा रहे हो? अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान! मेरे बेटे को जाने दो फलातूस। अम्मी जान! वो मर जाएगा लीना, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। फलातूस, मेरे बेटे को जाने दो, मुझे रख लो। तुम्हें कैदी के तौर पर लेना, मैं अपनी जिंदगी में दो चीजें चाहता हूं, एक अपने बाबा के कातिलों से इंतकाम लेना और दूसरा तुम्हें अपनी बीवी के रूप में देखना लेना। तुम्हारे बेटे की जिंदगी के बदले में तुम्हें यहां मेरे साथ किले में रहना होगा। तुम्हारा बेटा कबीले वापस चला जाएगा और तुम मेरे साथ यहां क्या जो मैंने सुना वो ठीक सुना फलातूस? कि तुम ये चाहते हो मैं साउची के बेटे को रिहा कर दूं? जवाब दो। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते निकोला? हाँ, कले से बाहर उसे मरवाकर लीना से कहेंगे कि उस पर हमला हो गया। क्या तुम उसकी मोहब्बत के लिए ऐसा नहीं कर सकते? वो औरत होकर इस कले तक आ गई फलातूस, मर्द बनो तुम भी। तुम मोहब्बत के बारे में क्या जानो निकोला? जनाब दुंदार साहब आए हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है, अच्छी खबर है।
मेरे बाबा। मेरे गाजी बाबा, मेरे सरदार बाबा। किसे पता कितना कुछ झेला है आपने, कितने मुश्किल फैसले करने पड़े। रिश्तों के लिए, अपनी कौम के लिए, घर वालों के लिए, अपने कबीले के लिए, अपनी सरजमीन, अपनी जिंदगी, अपने खून और अपने मकसद के लिए। सरदारी फैसला करने की जगह है और यह कुर्बानी मांगती है। मिल्लत रिश्तों से बढ़कर होनी चाहिए। कबीला एक खानदान की तरह होता है। अगर ये सरजमीन नहीं तो किसी का वजूद नहीं। हमारा खून हमारे मकसद के लिए है। लेकिन मैं किसी और के हवाले नहीं करूंगा अपनी ये तलवार और अपने भाई, और ना ही अपना भतीजा। दुंदार साहब, मैं अब उस्मान से उकता चुका हूं। जितना जल्दी मुमकिन हो आप सरदार बन जाएं, ताकि हम मिलकर इससे लुत्फंदोज हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काइयों का एक ही सरदार होता है निकोला, और उसे शिकस्त देना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से तो हम दोनों साथ हैं दुंदार साहब, एक दूसरे की हिमायत के लिए। तो आपका भतीजा उस्मान कोलुजाइसार हमारे हवाले कर देगा। ये बात तुम अपने नाम की तरह जानते हो निकोला। बायोजा कहाँ है? फलातियोस, बायोजा को तैयार करो जाकर। आखिरकार तुम जो चाहते थे तुम्हें मिल रहा है। दुंदार साहब, आप सरदार बनने से एक कदम दूर हैं, वो भी मेरी बदौलत। यह बात कभी मत भूलिएगा। आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस बारे में कोई शक नहीं है। माँ मरियम के नाम पे मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मेरी बेटी की जगह मेरी जान ले ले। निकोला तुम्हारे बेटे को रिहा करने पर राजी हो गया।
अब हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। नई जिंदगी? हाँ लीना। मेरी बेटे को आजाद कब करोगे? वो बस रिहा होने वाला है, भरोसा रखो। करने वाली थी? क्या कर रही थी तुम? अपने बेटे को बचाकर खुद को मारने वाली थी? तुमने ये सब अपने बेटे को बचाने के लिए किया? तुम्हें पहले ही बता चुकी हूं फिलातियुस, साउची मेरा पहला और आखिरी प्यार है और मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। मेरे बेटे को छोड़ो, मेरी जान लो, तुम्हें देने के लिए यही है मेरे पास। उस्मान ने तुम्हारे बेटे के बदले कोलो जयसार देने का वादा कर लिया है। दुंदार साहब यहां तुम्हारे बेटे को लेने आए थे। तेरा शुक्र है खुदावन, मेरे बेटे को जिंदगी देने पर तेरा शुक्रिया। खुदावन तेरा लाख लाख शुक्र है। सिपाहियों ले जाओ इसे, इसको इसके बेटे के पास ले आओ। खुदावन तेरा शुक्र है तेरा। मेरे भाई, क्या वाकई बहुत जल्द हम इस कले को वापस कर देंगे? तो बताओ उसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं हम? बोलो, क्या अपने हुजूर के फरमान के खिलाफ जाएं हम? मैं बस इतना जानता हूँ कि हमारे बहुत से सिपाही शहीद हुए थे। मैं कले को हासिल करने के लिए शामिल हुआ, देने के लिए नहीं। जानता हूँ मैं ये बात, पर मैं इस वक्त कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। एक तरफ कानून और रवायत, दूसरी तरफ मेरे सरदार के अल्फाज, उनकी नाफरमानी कभी नहीं कर सकता मैं। जैर कुताए, तुम वहां क्या कर रहे हो? बामसी साहब ने मुझे सिखाया है कि सिपाही अपने सरदार से सवाल नहीं करते, इसलिए मैं मश कर रहा हूं। आयगुल खातून, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? मेरे नजदीक सरदार और कवानीन सिर्फ उस्मान साहब हैं। ये तलवार उनकी हुक्म किताबे है, इस्तेमाल का हुक्म देंगे तो होगी इस्तेमाल, और अगर कहेंगे कि रख के भूल जाओ तो भूल जाऊंगी मैं। वो अगर कोलोजासार के साथ साथ सोट भी दे देते हैं उन्हें, तो मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हुजूर। वालेकुम सलाम हुजूर। वहां से कोई खबर आई? नहीं मेरे हुजूर। हुजूर, निकोला ने बायोजा को कैद से रिहा कर दिया है। शुक्र है मेरे रब का। शुक्र है अल्लाह का। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मेरे सरदार, क्या हम सच में वापस दे रहे हैं कला? अम्मी जान, मुझे बताएं आप कि आप इस प्लाथियस को कैसे जानती हैं? उसने हमें ऐसे जिंदा कैसे छोड़ दिया? खुदा का शुक्र है कि हम कले से बाहर आके, अब इस बारे में मत सोचो। अम्मी जान, मैंने आपसे पूछा है कि आप प्लाथियस को कैसे जानती हैं? ले जा रहे हैं जनाब। और ईसाई? कोई भी नहीं बचा वहां। इसे कहते हैं खुशखबरी। अलेक्जेंडर, सिपाहियों के साथ जाकर किले की तलाशी लो। दुंदार साहब के साथ जो सिपाही है वो तुम्हारे साथ जाएगा। किले से सबको निकाल देना। कोई जानदार जिंदा नहीं रहना चाहिए। कुत्ता, बिल्ली, इंसान, जो नजर आए बगैर सवाल जवाब के खत्म कर दो। तुम्हारे पैगाम का इंतजार करूंगा। सिपाहियों, उस्मान, कोई जाल ना बिछा दे, इस बात का डर है तुम्हें प्लाथियस? मैं इकदामात करूंगा। कुछ भी गलत हुआ तो मैं इन दोनों को जिंदा जला दूंगा। इनके साथ आप भी मरेंगे दुंदार साहब। जानता हूं, मैं जानता हूं अच्छी तरह, अच्छी तरह जानता हूं। तो दुआ करें कि आपका भतीजा आपको धोखा ना दे दुंदार साहब। कला खाली करा ली गया है। ये पर्चे माँ बाप के हवाले है। कबीले वापस जाओ। लीना खातून और बायोजा को दुंदार साहब लेकर आएंगे। उन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की तो रहम मत करना बिल्कुल भी। उनके गले काट देना।
जाओ वहां जाकर देखो, ठीक है? हर जगह हर कोना जानवरों। खुफिया रास्ते की तरफ ढूंढो। जनाब यहां कोई नहीं। जनाब यहां भी कोई नहीं है। उस्मान साहब ने मुहैदे की पासदारी की। मुझे आसान फतूहात पसंद नहीं। हमने हर जगह तलाश कर लिया जनाब। कले में दो आदमियों के अलावा और कोई भी नहीं था। हमने उन्हें भी कत्ल कर दिया। अब जाओ और फलाती उसको बताओ कि ये कला अब हमारा है और जो वो चाहते हैं उन्हें दे दो। हर सिपाही अपनी अपनी जगह संभाल ले। तालाब महफूज है जनाब। कला साफ हो चुका है जनाब। दुंदार साहब, इनकी बदौलत मुझे बगैर खून बहाए फतह मिली है। अब मालूम हुआ कि उस्मान को घुटनों पर लाना इतना आसान था। यहां का तैकपुर मैं हूं। ये कोलोजा हिसार के तैकपुर अलेक्जेंडर का वादा है। इसके बाद काराज हिसार और सोत होंगे। हम तमाम कायों का हाथ पकड़ देंगे।
मत रो, ऐसा मत करो। मैं नहीं रोऊंगा तो और कौन रोएगा? मेरी वजह से चचा उस्मान को कुलूजा हिसार निकोला के हवाले करना पड़ा। मैं उस्मान साहब का सामना कैसे करूंगा और कबीले के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? शहीदों के खून से फतह किया गया किला मेरी वजह से काफिरों के हाथ में चला गया। ये शर्मिंदगी तुमसे पहले हम सब के लिए है पायोजा। असल में शर्म उनको आनी चाहिए जिनकी वजह से यह सब कुछ हुआ। जब वक्त आएगा तो इसका भी हिसाब ले लिया जाएगा। मेरा ख्याल था कि उस्मान साहब का फैसला बहुत सख्त होगा, लेकिन वो इतने नर्म दिल निकले कि इस अहमक के लिए किला दे दिया। भाई हो जा, भाई हो जा। इससे पहले कि मेरा फैसला बदले यहां से दफा हो जाओ। चलो चलो, इससे पहले कि हमारी जानें चली जाएं, यहां से चलना चाहिए। अम्मी जान, मैं शर्म के साथ और नहीं जी सकता। चलो बेटा चलो, शाबाश, चलो। उस्मान ने कला दे दिया है, लेकिन वो उसे वापस लेने के लिए कुछ भी करेगा। जो गोला बारूद हम लेकर आए हैं उसकी बदौलत महीनों तक कले का दिफा कर सकते हैं। उस्मान का कले के अंदर कोई जासूस नहीं रहा, अब कोई दाखिल नहीं हो सकता। वो कुलूजा हिसार का मुहासरा कर सकते हैं। आखिर हम भी तो यही चाहते हैं, उसे मुहासरा करने दो ताकि हम निकोला की मदद से तुर्कों को कुचल सके। खातून, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कपड़े फैला रही हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मेरे बच्चों के कपड़े हैं ये, मेरे नाकारा शोहर के कपड़े हैं जो कोई काम नहीं करता। औरत का काम कभी खत्म नहीं होता। क्या तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है? जाओ जाकर अपना काम करो। हमने तुम्हें बहुत याद किया अब्दुलरहमान गाजी, बहुत याद किया। तुम तो अचानक ही गायब हो गए, लेकिन तुमने बहुत जबरदस्त काम किया। अच्छा तो ये बताओ कि तुमने भी मुझे याद किया या नहीं? हाँ, क्यों नहीं, बहुत याद किया। ये उस्मान साहब का हुक्म था कि हाथों के कमानदारों को शिकार करने के लिए मुझे तेज धार तलवारों और मजबूत ईमान वाले लोगों का एक दस्ता बनाने का कहा था। अल्लाह के हुक्म से मैं जो जानता था मैंने उन्हें सिखाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरसलान साहब, उस्मान साहब ने आपको कलूजा हिसार में बुलाया है। वो चाहते हैं कि आप हमारे साथ जिहाद में शामिल हों। जिहाद की दावत कबूल करना एक मुसलमान के लिए बाइस से फखर और उसका फर्ज है। हम आएंगे यकीनन, लेकिन मुझे एक बात तो बताइए बंसी साहब, उस्मान साहब क्या वाकई कला दे देंगे? आपको यकीन है? ये एक अच्छा सवाल है अरसलान साहब। अर्तुर साहब ने भी माजी में ऐसे काम किए जो हमारी समझ से बालतर थे। हम कहते थे कि भाई बेहतर जानते हैं, अब हम यही बात उस्मान के लिए भी कहते हैं। आ,
हमला मेरे जवानों, खून की नदियां बहा दो यहाँ पर। सिर्फ फसीलों पर सिपाहियों को खड़ा करना काफी नहीं है, हमें आग के गोलों और गर्म तेल की भी जरूरत है। यहाँ शुमाल की जानेब तुर्कले के अंदर है जनाब, उन्होंने सबको मार दिया। लानत हो, ये कैसे हो सकता है आखिर? उस्मान! सिपाहियों, हमारे कवानीन हमें फतह किया गया कला वापस करने की इजाजत देते हैं? बिल्कुल नहीं हुजूर। और क्या हमारे कानून को कोई सरदार तोड़ सकता है? मुमकिन नहीं ऐसा। तो फिर गौर से सुनो मेरी बात, जो कला हमने फतह किया वो किसी के हवाले नहीं किया जाएगा, कानून तोड़ा नहीं जाएगा। बायोजा को बचाने का इरादा तर्क कर दिया आपने? बायोजा को जरूर बचाएंगे, और कलूजा हिसार को एक बार फिर उनकी कब्र बना दिया जाएगा। तो चलो, खड़े क्या सोच रहे हो, जिहाद करना होगा। ठीक है हुजूर, जैसे आप कहो। मोहब्बत में कुर्बान हो जाओ। हम किसी को भागने नहीं देते। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर।